सो है गाइस, दिस इज कमिल एंड यू आर वाचिंग के प्रोडक्ट्स ऑन यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज की इस वीडियो पर मैं आपको दिखाया है कैसे आप काइन मास्टर के अंदर फोटो एडिटिंग कर सकते हो। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना, इस वीडियो पर मैं आपको दिखाने वाला हूँ फोटो किस तरीके से आप काइन मास्टर के अंदर एडिट कर सकते हो, और भी नॉर्मली नहीं, प्रोफेशनली आप एडिटिंग कर सकते हो। शायद आपको मेरी बातों पर हंसी आ रही होगी, लेकिन मैं आपको एडिट करके दिखाई है और किस तरीके से फोटो की फॉर्मेट में सेव कर सकते हो वो भी मैं आपको दिखाई है। आप प्रोफेशनली फोटो एडिटिंग करके सोशल मीडिया पर अपलोड कर सकते हो, काइन मास्टर के अंदर आप इसी लेवल का फोटो एडिटिंग कर सकते हो। तो आप वीडियो को आगे तक कंटिन्यू करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से आप काइन मास्टर को यूज़ करके फोटो एडिटिंग कर सकते हो। तो बात को आगे ना बढ़ाते हुए हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। ओके, तो जैसे कि आप देख सकते हो मैं आ चुका हूँ काइन मास्टर पर। सबसे पहले काइन मास्टर के अंदर फोटो एडिट करने से पहले मेक श्योर आप अपनी फोटो का जो बैकग्राउंड है उसको इरेज कर लीजिएगा, ठीक है, यानी उसका बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट बना के रख लीजिएगा, ठीक है। अगर आपको नहीं पता है फोटो का बैकग्राउंड किस तरीके से रिमूव किया जाता है, वैसे तो काइन मास्टर के अंदर हमें कोई फीचर्स नहीं मिलेगा फोटो का बैकग्राउंड इरेज करने के लिए। तो अगर आपको नहीं पता है तो आप मेरा प्रीवियस वीडियो देख सकते हो जिसमें मैंने आपको दिखाया है विदाउट एनी एप्लीकेशन कैसे आप अपनी फोटो का बैकग्राउंड इरेज कर सकते हो फुल HD क्वालिटी में। तो अब बढ़ते हैं हमारी वीडियो की तरफ, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको प्लस आइकन के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ से आपको 1:1 एस्पेक्ट रेशियो चूज़ कर लेना है। ये थर्ड नंबर भी आपको मिलेगा 1:1, इस पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से इमेज के ऊपर क्लिक करके यहाँ से किसी भी कलर का आपको एक बैकग्राउंड नीचे टाइमलाइन पर ऐड कर लेना है। उसके बाद बैकग्राउंड का जो टाइम ड्यूरेशन उसको आपको बड़ा कर लेना है, ठीक है। एंड देन अब आपको क्या करना है, सिंपली लेयर के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ से मीडिया ब्राउजर चूज़ करना है। एंड अभी आपको अपना मेन बैकग्राउंड ऐड करना है, ठीक है। तो यहाँ से मैं अपना बैकग्राउंड ऐड करता हूँ, जैसे कि देख सकते हो बैकग्राउंड हमारा आ चुका है। अगर आप गूगल पर सर्च करोगे HD बैकग्राउंड PNG तो आपको इस तरीके के बहुत सारे बैकग्राउंड मिल जाएगा, ओके, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अपनी बैकग्राउंड के ऊपर क्लिक करना है और आपको राइट पे स्क्रॉल करना है। यहाँ पर आपको एडजस्टमेंट का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ से इसका सेचुरेशन को इंक्रीज कर लेंगे, ठीक है, 20 तक, और चाहो तो ब्राइटनेस को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हो, बट मैं माइनस रखूँगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको और भी ऑप्शन मिलेगा जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन मैं सजेस्ट नहीं करूँगा। अब हमें क्या करना है, सिंपली लेयर के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से हमें इफेक्ट्स ऑप्शन को चूज़ करना है। सॉरी, उससे पहले हमें यहाँ पर थोड़ा और कुछ काम करना है, जैसे कि आप लेयर के ऊपर क्लिक करेंगे, मीडिया ब्राउज़र चूज़ करेंगे और यहाँ पर आप हम कुछ जो है लेंस ऐड करेंगे, ठीक है। तो ये व्हाइट कलर का जो लेंस है इसको हम ऊपर की तरफ सेट करेंगे कुछ इस तरीके से। आप चाहो तो इसे डुप्लिकेट भी कर सकते हो, लेंस के ऊपर क्लिक करेंगे और 3 डॉट के ऊपर क्लिक करेंगे, इसे सिंपली कर देंगे डुप्लिकेट, ठीक है। और इसका ओपासिटी हम थोड़ा सा कम कर लेंगे, ठीक है। अभी हमें लेयर के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ से हमें इफेक्ट्स को चूज़ करना है, यहाँ से बेसिक इफेक्ट्स एंड देन कॉस्टन ब्लर, ठीक है। उसके बाद आप इसे पूरी स्क्रीन पर फिल कर लेंगे कुछ इस तरीके से। चाहो तो इसका ओपासिटी कम या ज़्यादा कर सकते हो, ठीक है, आप चाहो तो कर सकते हो, नहीं करना चाहते हो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। एंड देन अब हमें क्या करना है, अगेन लेयर के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ से आपको मीडिया ब्राउज़र चूज़ करना है। अभी आपको अपनी मॉडल ऐड करना है, फ़ोटो ऐड करना है, ठीक है। तो यहाँ से चलो हम फोटो ऐड कर लेते। तो जैसे कि आप देख सकते हो मैंने अपना फ़ोटो ऐड कर लिया। अभी मैं क्या करूँगा, फ़ोटो को क्रॉप कर लूँगा, ठीक है। तो फोटो को हमने क्रॉप कर लिया, अभी हमें फ़ोटो को बड़ा कर लेना है कुछ इस तरीके से और इसे यहाँ पर हमें सेट कर लेना है, ठीक है। एंड देन अब हमें क्या करना है, राइट पे स्क्रॉल करना है और यहाँ पर हमें मिलेगा एडजस्टमेंट, इस पर आप क्लिक करेंगे, सेचुरेशन को आप इंक्रीज कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ से चाहो तो ह्यू को यूज़ कर सकते हो अपनी फ़ोटो के हिसाब से, ठीक है। तो जैसे कि आप देख सकते हो मैं ह्यू का वैल्यू इंक्रीज़ कर लिया, सॉरी माइनस कर लिया 21। तो ह्यू अगर आपकी फ़ोटो के हिसाब से वर्क करता है तो आप यूज़ कर सकते हो, नहीं वर्क करता है कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। एंड देन अभी आपको सिंपली कर देना है डन, ओके। अभी आपको क्या करना है, लेयर के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ से मीडिया ब्राउजर चूज़ करना है, कोई PNG आप ऐड करना चाहते हो, जैसे कि यहाँ पर मैं एक PNG ऐड करके आपको दिखाया था। तो मान लो आपको इस तरीके कुछ ऐड करना है तो आप इसको ऐड करेंगे इस तरीके से। उसके बाद आपको यहाँ पर राइट पे स्क्रॉल करना है, ब्लेंडिंग के ऊपर क्लिक करके सिंपली कर देना है स्क्रीन, ठीक है। एंड देन अभी आपको इसे नीचे की तरफ सेट कर लेना है कुछ इस तरीके से।
जैसे कि आप देख सकते हो हमारा जो फोटो है एडिट हो चुका है। अब फोटो एडिट हो जाने के बाद अब आप सोच रहे हो कि इसको फोटो के फॉर्मेट में हम सेव कैसे करें, डोंट वरी वो भी मैं आपको दिखाया था। तो इसे फोटो के फॉर्मेट में सेव करने के लिए आपको यहाँ पर जैसे कि देख सकते हो कैप्चर का आइकन दिखाई दे रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे सिंपली कैप्चर एंड सेव। ओके, तो ये फोटो के फॉर्मेट में हमारी गैलरी के अंदर सेव हो चुका है। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा है तो आप इसे देख सकते हो फोटो के फॉर्मेट में ये सेव हो चुका है हमारी गैलरी के अंदर। अब आप इसे किसी भी सोशल मीडिया पर अपलोड कर सकते हो फोटो के फॉर्मेट में। तो बेसिकली इस तरीके से आप काइनमास्टर के अंदर प्रोफेशनल फोटो एडिटिंग कर सकते हो। मैंने आपको दिखाया था किस तरीके से फोटो एडिट कर सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, साथ ही साथ आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो।